हाय गाइस, आप लोगों की डिमांड थी कि आप इस पर भी वीडियो बनाओ कि आप कैसे कैनुला यूज़ करते हो और कैसे बच्चों के ऊपर यूज़ करते हो, किस तरीके से, तो हम लोग अभी बताने जा रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये हमारे पास कैनुला है, 22 गॉज की निडल है। अब इस बच्चे की वेन हमने हैंड को सैनिटाइज कराया, वेन के ऊपर स्प्रिट डाला है, ठीक है। अब इसको कॉटन से करके फिर ऊपर से इसका वेन रेज करते हैं, थंब से प्रेस करके वेन को रेज करते हैं। ये हमारा वेन रेज हो गया, ठीक है। अब इसमें हम जो कैनुला लिए हैं पूरा स्टरलाइज है ये। अब ये 22 गॉज की कैनुला वेन हमें विजुअल हो गया, तो अब हम इसके वेन में लगाएंगे। एक मिनट, हाँ जी, ये हमारा वेन फिर से रेज हो गया, वेन पूरे विजुअल है। मिडल वेन में निडल को इन्फ्यूज करेंगे। दोबारा फिर करते हैं, दोबारा फिर फ्रेश कैनुला या फिर इसका आल्बम लेना होता है। अब हम इस वेन के ऊपर माइक्रो टेप से इसको फिक्स करेंगे। हाँ जी, ये कैनुला वेन में है और इसमें हमने इन्फ्यूजन सेट को ऑन कर दिया है। तो अब इन्फ्यूजन सेट लगा के अब ड्रिप यहाँ से स्टार्ट हो गई है। ड्रिप की स्पीड भी हमें चेक करना होता है एक बार कि चल रही है कि नहीं। कंडीशन के हिसाब से मीडियम स्लो रखना होता है सबसे पहले 20-50। अच्छा, मतलब कंडीशन किस हिसाब से? हाँ जी, अगर डॉग ज्यादा डल है, ज्यादा डिहाइड्रेशन है, तो बहुत स्लो 50 ml तक काफी स्लो देते हैं। ओके, ऐसा क्यों? हाँ, एकदम से कोलैप्स होने का डर होता है, कई बार वेन से हार्ट पे एकदम से अटैक होने का डर होता है, तो इस वजह से ड्रिप की स्पीड स्लो ही रखते हैं। मतलब अगर डॉग कभी अनकॉशियस हेल्थ में है, मतलब उसके अंदर सेंसेस ज्यादा नहीं है, तो हमें स्लो देना है। चेक भी करते हैं, कई बार होता है कि ज्यादा डल हो तो फिर शॉक में भी चले जाता है, इस वजह से हम आईवी ड्रिप काफी स्लो देते हैं पहले 50 ml। उसके बाद हम स्पीड को मीडियम कर सकते हैं। ओके, इस तरह से हमारा कैनुला लग गया, ड्रिप चल रहा है। एक दो माइक्रोपोर टेप लगा के और इसको हम सही से फिक्स कर देंगे नेक्स्ट टाइम के लिए यूज करने के लिए, ताकि हम यूज कर सके, बार बार हमें फिट ना करना पड़े, क्योंकि वेन ब्लॉक होने के भी चांसेस होते हैं। कई बार होता है कि कैनुला लगा हो रहा है, जैसे अब शाम को ड्रिप देनी है तो इसमें ब्लॉक हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा 1 ml सलाइन सिरिंज में लेके फ्लश करते हैं, फिर वो वेन ओपन हो जाता है, फिर ड्रिप सही से चलने लगता है। ओके, अभी तो ये जितना इसका देना है 100-150 ml बॉडी वेट के हिसाब से जो फ्लूड देना है वो हम अभी इसमें दे रहे हैं। ओके, फिर हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे इवनिंग में देने के लिए, ठीक है। फिर इवनिंग में इसको पैक भी कर देंगे ना, कॉटन विद, अभी पूरा ये बैंडेज से इसको पूरा पैक कर देंगे, इसको हैप्पी पैड बोलते हैं, और इसको कॉटन से और उससे रैप कर देंगे पूरा, ताकि ये इसको निकाल ना सके और डैमेज ना कर सके। अपने आप को कई बार बाइट कर लेता है, निकाल लेता है, निडल इचिंग होती है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये टेप लगा देंगे। ओके, शाम को फिर इवनिंग टाइम में दोबारा ड्रिप देना, ताकि हम बार बार, हमें इसकी ये वेन ब्लॉक ना हो, और क्योंकि डैमेज भी हो जाती है समटाइम्स, इसे बार बार हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इस वेन को यहीं पर रहने देंगे जब तक इस बच्चे की ड्रिप चलेगी। अच्छा अमित जी, एक बात और पूछनी थी, जैसे ये जो वेन होता है, हमें पता कैसे चलता है ये ऊपर से कि वो ब्लॉक हो जाती है या फिर वो जो हमें चेंज करना पड़ता है? हाँ, कई बार 2-3 दिन अगर कैनुला लगा भी रहता है ना, तो वो वेन में जो इसकी एक्चुअली होता क्या है, मेटल की चीज़ तो निकल जाती है, तो प्लास्टिक की अंदर रहती है। अच्छा, तो कई बार उसमें वेन के पीसेस, मांस का टुकड़ा कह सकते हैं, मतलब कि कई बार ब्लॉक उसकी वजह से, या फिर ब्लड का क्लॉट बीच में जम जाता है, आगे फिर फ्लो नहीं कर पाता, तो वो फिर 3-4 दिन में कई बार हमें कैनुला चेंज करना पड़ता है। एंड प्लीज़, अगर आप वेटनरी स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप प्लीज़ इसे बच्चों पे खुद ट्राई ना करें, कोशिश करें कि आप किसी पैरावेट से, नहीं तो डॉक्टर से ही कैनुला फिट करवाएं, क्योंकि ऐसे बच्चों को हार्म भी हो सकता है। और थैंक यू। चलिए, आगे ऐसी वीडियोस हम और पोस्ट करते रहेंगे जो बच्चों के लिए, जैसे जो यूज़फुल होता है, हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं बच्चों का। बाकी